हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवनी क्रिएशंस। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम वॉशिंग मशीन कवर बनाने वाले हैं, और वॉशिंग मशीन का कवर बनाने के लिए हमें इसकी मेजरमेंट कैसे करनी है मैं वो आपको पहले एक बॉक्स पे बताऊंगी। मैं फ़ोन का बॉक्स यूज़ कर रही हूँ इसमें आपको मेजरमेंट समझाने के लिए। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए आपको जस्ट इमेजिन ये आपकी वॉशिंग मशीन है, ठीक है। आपको अपना फैब्रिक लेना है, जिस भी फैब्रिक का आप वॉशिंग मशीन कवर बनाना चाहते हैं। देखिए इस तरीके से आपको फैब्रिक लेना है, और ये देखिए जो हमारी तीन फ्रंट की जो मतलब तीन जो हमारी फ्रंट में हमें साइड दिखती है उसका हमें इस तरीके से हमें मेजरमेंट लेना है। मतलब जितना भी इस तरीके से हमारा रेडी है उसमें हमें 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है। देखिए मान लीजिए इतना हमें एक्स्ट्रा रखना है, और लेंथ हम चेक कर लेंगे। ये देखिए मान लीजिए मेरी लेंथ इतनी आ रही है, तो इसमें भी मैं 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा रख के मैं पूरे फैब्रिक को कट कर दूंगी। देखिए मान लीजिए इतना ये मेरा रेडी आया था, इसे मैंने 2 से 3 इंच यहाँ पे मैंने इस पर एक्स्ट्रा रखा, और लेंथ वाइज मेरा इतना आया था, तो इसमें भी मैं 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा रख के यहाँ से इसको कट करके अलग कर लूँगी। तो चलिए ऐसा ही हमें हमारे मेन फैब्रिक में करना है। मशीन में कवर बनाने के लिए फ्रेंड्स मैं इस तरीके का ये पैंट शर्ट कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। ये पैंट शर्ट कपड़ा सबके घर में नॉर्मली मिल ही जाता है, और ये जो कपड़ा होता है फ्रेंड्स ये बहुत मोटा होता है, तो जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं वो भी नहीं आएंगे मशीन में, तो इस तरीके का कपड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है वॉशिंग मशीन के कवर के लिए। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये तो हमने अपनी जो तीन साइड थी उसके लिए कट कर लिया था। देखिए ये हमारी जो फ्रंट की तीन साइड होती है ये उसके लिए है, लेकिन फ्रंट जो बैक की साइड होती है उसको हम इसमें ओपन रखने वाले, क्योंकि पीछे वायरिंग वगैरह भी होती है तो उसमें दिक्कत होती है। तो फ्रंट इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए मेरी जो वॉशिंग मशीन है उसका जो फ्रंट वाला हिस्सा उसकी विड्थ है 21 इंच। देखिए 21 इंच का अगर हम हाफ करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा होता है तो 10.5 इंच, ठीक है। तो हमें 10.5 इंच में अगर हम 2 इंच, क्योंकि हमें फोल्ड भी करना है, तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं हाफ इंच स्टिचिंग के लिए, और 1 इंच जो होगा हम उसको अंदर फोल्ड करने के लिए। मतलब हम यहाँ पे ले लेते हैं 12 इंच का हम एक पीस लेंगे, मतलब हम 12-12 इंच के 2 पीस कट करने, और जो इसकी लेंथ होगी वो हम अपने इस फैब्रिक से देख लेंगे कितनी हमें लेंथ चाहिए। देखिए हमें इतनी लेंथ चाहिए, ठीक है। और इसकी विड्थ भी हम चेक कर लेते कितनी है, देखिए 12 इंच हमें चाहिए, तो 12 इंच हम इसकी विड्थ ले लेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है, हमें इसको 2 पीस में डिवाइड कर लेंगे। देखिए 2 पीस में हमने इसे डिवाइड कर लिया है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, हमारा जो फैब्रिक था हम दोनों साइड से इसको ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से हम इस पे एक सिलाई लगा लेंगे, और देखिए फिर इस तरीके से इसका व्यू आएगा, और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें इस पे लगाना है। देखिए यहाँ पे हम स्टिचिंग लगा लें, तो चलिए हम स्टिचिंग लगा लेते हैं तो अपनी। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों साइड्स में इस तरीके से जो हमने फैब्रिक कट किया था वो लगा लिया है। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों तरफ ये लगा लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसे साइड फोल्ड्स करेंगे। देखिए साइड कैसे फोल्ड करनी है वो बताती हूँ मैं आपको। देखिए इस तरीके से हमें
फोल्ड करना है और एक बार और फोल्ड करना है और इस पूरी पट्टी पे एक सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी लगाना है, ठीक है। तो हम इस पर एक सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से पट्टी पे सिलाई लगा ली है दोनों तरफ। और फ्रेंड्स, जो हमारे बॉटम वाला हिस्सा होता है उसको भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे, एक बार और से फोल्ड करेंगे और प्लीज पूरी जो फैब्रिक की लाइन हम इस पर स्टिचिंग लगाएंगे। देखिए हमें स्टिचिंग लगाते हुए यहाँ तक आना है। चलिए हम फिर स्टिचिंग लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी साइड भी फिनिश हो गई है और हमने बॉटम में भी इस तरीके से फिनिश कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो हमारी मशीन का लेड होता है जिसको हम ओपन करके अपने कपड़े धोते हैं, उसके ऊपर का जो पार्ट है अब हमें वो कट करना है। फ्रेंड्स, हमने ये दो हिस्से जो है वो अलग ज्वाइन किए थे। देखिए ये दो हिस्से हमने अलग ज्वाइन किए थे। हमें क्या करना है, हम इन दोनों को लेंगे इस तरीके से और उसके बाद अपना दूसरा फैब्रिक लेंगे। फ्रेंड्स, जो इसकी विड्थ होगी वो तो हम इसके अकॉर्डिंग ही कट करने वाले हैं, लेकिन जो इसकी लेंथ रहेगी फ्रेंड्स, उसमें हम 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ठीक है। जी देखिए, ये इतनी मेरी सिंगल फोल्ड में है, मुझे डबल फोल्ड में चाहिए ये। देखिए ये मेरी डबल फोल्ड में इतनी आ गई है। ये तो इसकी विड्थ की बात रही, जो इसकी लेंथ होती है फ्रेंड्स वो हमें कैसे करनी है हम उसको भी मेजर कर लेते हैं। देखिए इसकी जो लेंथ है वो 19.5 इंचीज है, ठीक है। लेकिन मेरी जो वॉशिंग मशीन है उसकी जो प्रॉपर लेंथ आनी चाहिए वो 21 इंच आनी चाहिए रेडी लेंथ, लेकिन हमें 4-5 इंच इसमें एक्स्ट्रा भी ऐड करना है। तो ये मेरा फैब्रिक कम है तो मैं यहाँ पे जोड़ लगाने वाली हूँ। मतलब जब आप मेजर करेंगे अपनी जो मशीन के ऊपर वाला पार्ट है उसका आप मेजर करके उसमें 4 से 5 इंच हमें एक्स्ट्रा ऐड रखना है ताकि वो नीचे एक फ्लैप की तरह हम कर सके, ठीक है। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। वाला पार्ट है इसको ऐसे रखेंगे अपने फैब्रिक के ऊपर और यहाँ से एक स्टिचिंग लगा देंगे। उसके बाद ये देखिए इस तरीके से हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी जो 3 साइड है, ये बॉटम की और ये इस साइड की, हमें इन तीनों को फिनिश करना है। आप चाहे तो इस तरीके से फोल्ड करके भी इसे फिनिश कर सकते हैं तीनों साइड्स को, या फिर आप मेरी तरह पट्टी से भी इसको फिनिश कर सकते हैं। देखिए इस कलर का फैब्रिक जो मैंने अपनी वॉशिंग मशीन के लिए नीचे के लिए यूज़ किया था वही सेम पट्टियाँ मैं इसको फिनिश करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। देखिए इस तरीके से हमारी पट्टी को हमें उल्टा रखना है, इस पर हम स्टिचिंग लगा लेंगे।
स्टिचिंग लगाने के बाद फ्रेंड्स हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से फिर से एक बार फोल्ड करके हमें इसके ऊपर से स्टिचिंग लगानी है। देखिए इस तरीके से ये फिनिश हो जाएगा। चलिए हम इसको फिनिश कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से फिनिश कर लिया है तीनों साइड से। देखिए अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें से अपनी वॉशिंग मशीन का नीचे वाला पार्ट था हम ज्वाइन करेंगे। उसके लिए हम कैसे ज्वाइन करना है वो बताती हूँ। देखिए हमने दोनों साइड इस तरीके के पार्ट्स लगाए थे। हम उन पार्ट्स को पहले साथ कर लेते हैं। इस तरीके से हमने दो पार्ट जो स्टिच करे थे उसको हमें इस तरीके से रखना है। हमारा सीधा पार्ट अंदर की तरफ जाना चाहिए और अपोजिट पार्ट ऊपर की तरफ रहना चाहिए। उसके बाद जो हमने टॉप के लिए बनाया था जो हमने फिनिश किया था उस फैब्रिक को हम लेंगे। उसका भी फ्रेंड्स जो उल्टा पार्ट है वो ऊपर की तरफ रहना चाहिए देखिए, और जो सीधा पार्ट है वो अंदर की तरफ रहना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो साइड स्टिच थी इसको हम इस तरीके से इस पर रखेंगे और यहाँ से स्टिचिंग लगाते हुए देखिए दूसरे वाले हिस्से को भी देखिए हमें इस तरीके से स्टिच लगाते हुए जाना है। यहाँ से हम स्टिचिंग लगाते हुए आएंगे और फिर यहाँ से स्टिचिंग लगाते हुए हम इस तरफ आ जाएंगे स्टिचिंग लगाते हुए। तो ये हमारा इस पर ज्वाइन हो जाएगा। तो चलिए हम इस पर ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से स्टिचिंग लगा दी है और ये इसके बाद हमारा ऊपर से जो हमने कवर स्टिच किया था वो इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। फ्रेंड्स मेरा ये फैब्रिक थोड़ा सा कट गया था तो उसको कवर करने के लिए मैंने कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी सी चुन्नट लगा दी है। लेकिन अगर आपका फैब्रिक बिल्कुल आपकी मशीन के हिसाब से कटा हुआ बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं है तो आप सिंपल भी इस पर स्टिचिंग लगा सकते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ से ये फिनिश हो गया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स नीचे वाली जो बॉटम साइड थी वो तो हमने फिनिश कर ली थी इस तरीके से। ये देखिए ये तो हमने फिनिश कर ली थी। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे जो ऊपर वाला पार्ट है इसको भी हमें फिनिश करना है। इसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है देखिए इसे जहाँ पे हमने ये स्टिचिंग लगाई थी देखिए इस तरीके से हमने जो स्टिचिंग लगाई थी अपने पार्ट को ज्वाइन करने के लिए इसी के साथ हमें इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करना है और पूरे में स्टिचिंग लगाते हुए हमें स्टिचिंग लगाते हुए इस साइड आ जाना है। दूसरी तरफ स्टिचिंग लगाते हुए आ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट की थी इस पॉइंट से यहाँ से और स्टिचिंग करते हुए हम अपने दूसरे पॉइंट पे आ गए हैं और इसको हमने फिनिश कर लिया है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये हमारा टॉप का जो पैनल होता है वॉशिंग मशीन का ये वो है और उसके बाद इसके जस्ट पीछे ये जो ओपनिंग साइड्स है ये हमारे बैक में आएंगी और ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा वॉशिंग मशीन के फ्रंट में रहेगा। फ्रेंड्स इसके बाद हमें इस पे बटन या फिर वेलक्रो टेप लगानी है। आपकी जो इच्छा आप वो लगा सकते हैं। ये देखिए हमें इसको पहले सेंटर पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। सेंटर पॉइंट मार्क कैसे करना मैं बताती हूँ आप। ये देखिए हमने जो अलग से दो पार्ट लगाए थे उन दोनों को हमें इस तरीके से रखना है। देखिए स्टिचिंग के ऊपर हमें स्टिचिंग रखनी है और उसके बाद इस तरीके से हमें अपने सेंटर पॉइंट को चेक करना है। तो देखिए सेंटर पॉइंट यहाँ पे आ रहा है मेरा। तो देखिए यहाँ पे मेरा सेंटर पॉइंट है। तो लीजिए देखिए यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। यहाँ पे मुझे मेरी वेलक्रो टेप लगानी है। ऐसे ही हमें ऊपर वाला जो पैनल था उसमें भी हमें सेंटर पॉइंट को मार्क करना है। देखिए इस तरीके से हम दोनों साइड्स को लेंगे। तो देखिए देखिए यहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट है। तो इसकी जो बैक साइड है हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। मतलब जो हमारा ऊपर और टॉप का पैनल है उसमें तो हम बैक साइड में लगाएंगे और जो नीचे वाला पार्ट है उसमें हम फ्रंट साइड में अपनी टेप को लगाएंगे। तो चलिए हम अपनी वेलक्रो टेप लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने वेलक्रो टेप का इस तरीके से कट करके रखा हुआ है
तो ये वाला जो रफ वाली साइड है उसको हम जो टॉप पैनल था उसके पार्ट पे लगाएंगे, और ये वाला जो पार्ट है, जो सॉफ्ट वाला पार्ट है, वो हम लगाएंगे जो हमने अपने नीचे वाले पैनल के लिए मार्क किया था। देखिए इसको हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लगा लेते हैं अब इसको। जो पैनल वाला हिस्सा था टॉप पैनल का, देखिए उसकी मैंने बैक साइड में इस तरीके से लगा ली है, और जो नीचे की तरफ का हिस्सा था बॉटम पैनल का, वो देखिए उसे मैंने ऊपर की तरफ इस तरीके से सॉफ्ट वाले पार्ट को लगा लिया है। देखिए इस तरीके से इस पर बंद होगा, और ये देखिए। तो फ्रेंड इसको तो हमने स्टिच कर लिया। अब बात आती है अपने कवर को थोड़ा सा डेकोरेट करने की, तो मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेट करने वाली हूँ। तो ये देखिए हमारी वॉशिंग मशीन का जो टॉप का पैनल होता है, ये वो है जहाँ पर, ये देखिए मैंने इस तरीके से पाइपिंग निकाली थी। देखिए इस तरीके से हमें अपने पैनल वाले फैब्रिक को रखना। ये हमारी वॉशिंग मशीन का टॉप पैनल था, हमें इस तरीके से रखना है। जहाँ पे भी आप चाहें आप वहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सेंटर में भी इसको ड्रॉ नहीं करने वाली हूँ, और बिल्कुल ऊपर या बिल्कुल नीचे भी नहीं। देखिए इस तरीके से मैंने एक डॉटेड लाइन बना ली है। देखिए इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके के कुछ कपड़ों के कटआउट काट के रखे हैं। मैंने फेल्ट फैब्रिक यहाँ पे यूज़ किया है। फेल्ट की शीट्स भी मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी का मैंने शर्ट काट लिया है, किसी की मैंने पैंट बना ली है, किसी की निक्कर बना ली है। इस तरीके से आपको कपड़ों के पैटर्न बनाने हैं, और उसके बाद उन्हें इस लाइन पे पेस्ट करना है, जैसे कि हम रस्सी पे कपड़े सुखाते हैं उसी तरीके से। देखिए इस तरीके से हमें बैक में फैब्रिक ग्लू लगाना है, और रस्सी पे इस तरीके से हमें इसे पेस्ट कर देना है। देखिए इस तरीके से ये जो सारे कपड़ों के हमने पैटर्न बनाए हैं हमें इसे पेस्ट करने हैं। तो चलिए हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने सारे कपड़े इस पर चिपका लिए हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमने जो ये डॉटेड लाइन बनाई थी इसके ऊपर से हमें ब्लैक थ्रेड से इस पर स्टिचिंग लगानी है। अगर वो स्टिचिंग आपको हल्की लगे तो आप इसके ऊपर दो बार भी स्टिचिंग लगा सकते हैं। तो चलिए हम इस पर स्टिचिंग लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने ब्लैक थ्रेड पे इस पर स्टिचिंग लगा ली है ताकि रस्सी का लुक आ सके। ये देखिए फ्रेंड्स अब मैं इसको ब्लैक थ्रेड से अपनी मशीन के ऊपर लगा के दिखाती हूँ कि लगाना कैसे है। देखिए फ्रेंड्स जो ये ओपनिंग साइड थी, ये देखिए ये जो तो ओपनिंग साइड थी इसको हम बैक में रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा फ्रंट में आ गया है। और यहाँ से इसको हमने वेलक्रो से बंद कर दिया। ये देखिए इस तरीके से हम इसको हटा सकते हैं, और इस तरीके से हम इसको फ्रेंड्स ये कवर हमारी वॉशिंग मशीन को डस्ट से बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है ये हमने मोटा फैब्रिक यूज़ किया है। और पीछे से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये ओपन पैनल इसलिए छोड़े थे क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो पाइप है ये टैप से कनेक्ट है, तो इसलिए पीछे डस्ट वगैरह ना जाए और अच्छे से कवर भी हो जाए और पाइप में भी कोई दिक्कत ना रहे उसको कवर करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ से ओपन पैनल छोड़े हैं। ये देखिए पीछे से भी अच्छे से कवर हो गया है। फ्रेंड्स आप इसी तरीके से किसी भी वॉशिंग मशीन का कवर बना सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सच में मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।